नमस्कार दोस्तों, कहानी के नाम है अनजान शक्ति की करिश्मा। मैं आज आपसे एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में कहानी के माध्यम से बात करूंगा। यह मेरे जीवन की आंखों देखी रहस्यमयी घटना है। शायद आपके जीवन में भी ऐसा कुछ न कुछ घटित जरूर हुआ होगा, पर मेरे जीवन में जो घटना हुआ वह आज भी मेरे आँखों के सामने दौड़ता रहता है। इस पृथ्वी पर कुदरत ने कितने रहस्य गढ़ रखे हैं, शायद ही किसी के जीवन में कभी कभार ही घटा होगा। तो चलिए मेरे जीवन में घटी रहस्यमयी घटना को बताते हैं। बात 2001 साल की है। यह रहस्यमयी घटना बिहार के नवादा जिले में एक छोटे से गांव हल्दिया का है, जहां बहुत बड़ी डैम है जो हल्दिया डैम के नाम से जाना जाता है। डैम से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गाँव बसा हुआ है। उसी गांव में एक बुढ़ी माँ बाप रहता था। उसके 4 बेटा था। चारों बेटा का शादी हो चुका था। उनका घर ईंट का बना हुआ था और उसके ऊपर टाली दिया हुआ था। घर काफ़ी बड़ा था। घर के आंगन के चारों तरफ ईंट का बाउंड्री दिया हुआ था। उस परिवार का जीवन का पहिया खुशी के साथ बीत रहा था। कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा दिन का नहीं होता है, दुख का भी आना जरूरी होता है। ऐसा ही उस परिवार के साथ हुआ। उस घर में बूढ़े बाप का अचानक बीमार पड़ने से मृत्यु हो जाती है। बूढ़े बाप को मरने के बाद चारों बेटों और बहुओं में संपत्ति को लेकर अनबन होने लगती है। इस तरह घर की सारी खुशियां बर्बाद हो जाती है। चारों बेटों और बहुओं का ये सब हरकत देख कर बूढ़ी माँ अपने पति का संपत्ति चारों में बांट देती हैं और अलग अलग रहने लगता है। पर समस्या यह खड़ी हो जाती है कि बूढ़ी माँ को रखेगा कौन? अब चारों बेटों में माँ को बारी बारी से अपने घर में रखना शुरू करता है। पर सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि माँ को सेवा करना, कपड़े साफ करना, समय समय पर खाना देना, ये सब काम चारों बहुओं को मुश्किल हो रहा था और इस कारण वापस में झगड़ा भी हो रहा था। बूढ़ी माँ का चारों बेटा तो काम से बाहर रहता था। बूढ़ी माँ को सही तरीके से देखभाल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बूढ़ी माँ कमज़ोर होते जा रही थी। सभी बहुएं अपने अपने पति के पास चली गई। बूढ़ी माँ को सेवा करेगा कौन, खाना खिलाएगा कौन, देखभाल करेगा कौन? अब ये सब करने के लिए उसके घर में कोई नहीं था। गांव वाले तो दूर की बात है। 2 साल बीत गए, बहुओं को घर छोड़े। बहुओं ने सोचा अब बूढ़ी माँ मर गई होगी, अब अपने घर चले। जब चारों बेटा और बहुएं घर पहुँचते हैं तो घर में बूढ़ी माँ को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद आंगन में खड़े चारों बेटों और बहुओं पर छोटे छोटे पत्थरों का बरसात होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ डंडों से। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हमें मार कौन रहा है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर वापस चले जाते हैं। कुछ सालों बाद उस बूढ़ी माँ का मृत्यु हो जाती है तो फिर बहू और बेटे घर आते हैं। बूढ़ी माँ का काम क्रिया करने के लिए जिस कमरे में बूढ़ी माँ रहती थी वहाँ मृत शरीर बूढ़ी माँ का पड़ा हुआ था और ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था जो कि बड़े बड़े घरों में खाया जाता है। सब लोग रहस्यमयी दृश्य को देखकर चकित रह जाते हैं। गांव में हवा की तरह बातें फैल जाती हैं। दूर दूर के गांव के लोग भी रहस्यमयी दृश्य को देखने आते हैं। सब लोग एक दूसरे में बातें करने लगते हैं कि उस बुढ़िया का खाना उसका मरा हुआ पति देता था, तो कोई कहता था कि उसे कोई अमीर आदमी खाना देता था, तो कोई कहता था कि उनका खाना भगवान देता था, तो कोई कहता था कि भूतों का राजा खाना देता था। पर यह रहस्यमयी दृश्य सिर्फ बूढ़ी माँ को पता था और अब बताने के लिए इस दुनिया में तो थी ही नहीं। सिर्फ इतना ही लोग जानते थे कि उसका देखभाल चारों बेटों के द्वारा हो रहा था और न ही इस रहस्यमयी घटना को 2 सालों में बूढ़ी माँ ने किसी को बताया।
यह रहस्य को आज तक कोई पता नहीं लगा सका। आज भी वह जगह है, उनकी बेटी और बहू जीवित हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं।